आज हम जीके का थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करेंगे। आज हम जीके के 2 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15। तो पहले हम चैप्टर नंबर 14 करते हैं, स्टेट्स ऑफ इंडिया। स्टेट ऑफ इंडिया में मतलब है कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं। फिल द मैप ऑफ इंडिया विद द नेम्स ऑफ स्टेट्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स। नीचे कुछ आपको स्टेट्स के नेम फिल करने हैं, जो नीचे आपको कुछ नेम दिए हुए हैं वो हमें इंडिया का जो मैप बना हुआ है उसमें उनके नेम फिल करने हैं। तो फर्स्ट नेम हमें दिया हुआ है गुजरात, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं गुजरात, जी यू जे आर ए टी, गुजरात। अब सेकंड स्टेट कौन सा है, सेकंड है राजस्थान, गुजरात के ऊपर है यहाँ पे राजस्थान, आर ए जे ए एस टी एच ए एन, राजस्थान। अब नेक्स्ट कौन सा स्टेट है, नेक्स्ट है महाराष्ट्र, जहाँ पे गुजरात है, गुजरात के नीचे यहाँ पे जहाँ पे ग्रीन कलर है यहाँ पे लिखना है महाराष्ट्र, एम ए एच ए आर ए एस एच टी आर ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है उड़ीसा, अब हमने महाराष्ट्र के इस साइड में यहाँ पे उड़ीसा लिखना है, ओ डी आई एस एच ए, उड़ीसा। नेक्स्ट है असम, असम यहाँ पे ये जो साइड में यहाँ पे नागालैंड मणिपुर मिजोरम है इसके इस साइड में है असम, ए डबल एस ए एम, असम। नेक्स्ट है तमिलनाडु, अब हमें लिखना है कि इनमें से तमिलनाडु कहाँ पे है, तो जो यहाँ पे लास्ट में एंड में यहाँ पे लिखना है आपने तमिलनाडु, टी ए एम आई एल तमिलनाडु, एन ए डी यू तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद है उत्तर प्रदेश, अब हमने यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिखना है, यू डबल टी ए आर उत्तर, पी ए आर डी ई एस एच, उत्तर प्रदेश। अब आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बिहार, उत्तर प्रदेश के एकदम नीचे है बिहार, बी आई एच ए आर, बिहार। बिहार के बाद क्या है, बिहार के बाद दिया हुआ है हमें कर्नाटका। अब आपने जहाँ पे हमने महाराष्ट्र भरा था महाराष्ट्र के एकदम नीचे यहाँ पे लिखना है कर्नाटका, के ए आर एन ए टी के ए, कर्नाटका। कर्नाटका के बाद सबसे लास्ट वाला जो स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश, जहाँ पे हमने तमिलनाडु फिल किया था तमिलनाडु के ऊपर एकदम लिखना है आंध्र प्रदेश, ए एन डी एच आर ए आंध्र प्रदेश, पी ए आर डी ई एस एच। हमारा चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट हो गया है, आपने भी इसी तरह इसमें स्टेट्स के नेम फिल करने हैं। अब हमने करना है चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 है हिल स्टेशन। हिल स्टेशन वो होते हैं जहाँ पे हम घूमने जाते हैं या फिर जहाँ पे पहाड़ होते हैं, उन्हें बोला जाता है हिल स्टेशन। इन समर वेकेशंस वी लाइक टू स्पेंड टाइम इन कूल प्लेसेस, कि जब हमारी गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं तो हम ज़्यादातर क्या पसंद करते हैं, हम ठंडी जगह पर जाना पसंद करते हैं, लाइक हिल स्टेशन, जिन्हें हम हिल स्टेशन बोलते हैं, जहाँ पे पहाड़ और पर्वत बने होते हैं वो जो एरिया होता है वो हमेशा ठंडा होता है। आप लोग भी क्या करते हो, आपके मम्मी पापा आपको छुट्टियों में ठंडी जगह पर लेके जाते हैं, है ना। हेयर आर गिवन सम पॉपुलर हिल स्टेशन, नीचे कुछ पॉपुलर हिल स्टेशंस दिए हुए हैं ऑफ इंडिया, भारत के कुछ पॉपुलर हिल स्टेशंस दिए हुए हैं विद द क्लू दे आर फेमस फॉर, कि जो नीचे कुछ हिल स्टेशंस पॉपुलर हिल स्टेशन के नेम दिए हुए हैं और वो क्यों फेमस हैं, क्यों प्रसिद्ध हैं। राइट द नेम्स, आपको उनके नेम्स लिखने हैं। तो हमारी जो फर्स्ट पिक्चर है वो बनी हुई है टी गार्डन की,
टी गार्डन, मतलब जहाँ पर चाय के बगीचे हैं, जो चाय के बागान हैं वो कहाँ पर हैं। अब हमें नीचे कुछ नेम दिए हैं, आपको इनमें से बताना है कि चाय के बागान कहाँ हैं। चाय के बागान हैं दार्जिलिंग में, तो अब आप हमने यहाँ पे दार्जिलिंग फिल करना है। डी ए आर जे डबल ई एल आई एन जी, दार्जिलिंग। अब सेकंड पिक्चर किसकी है? सेकंड पिक्चर है दिलवारा टेम्पल, ये एक बहुत ही फेमस मंदिर है। तो दिलवारा टेम्पल कहाँ पे है? दिलवारा टेम्पल है, नीचे देखो नेम्स दिए हैं, इनमें से हमें बताना है। नीचे माउंट आबू, यहाँ पे हमने लिखना है माउंट आबू, एम ओ यू एन टी माउंट ए बी यू आबू, माउंट आबू। नेक्स्ट है कैम्प्टी फॉल्स, ये जो झरना है ये कौन से एरिया में है, कौन सी फेमस जगह में है कैम्प्टी फॉल्स, जो नीचे नेम दिए हैं इनमें से आपको ढूंढ के बताना है कि कैम्प्टी फॉल्स कहाँ पे हैं। कैम्प्टी फॉल्स हैं जो, वो हैं मंसूरी में। तो यहाँ पे अब हमने लिखना है मंसूरी, एम यू डबल एस ओ आर आई ई, मंसूरी। नेक्स्ट पिक्चर किसकी है? नेक्स्ट पिक्चर है नैनी लेक, नैनी लेक मतलब जिसे हम झील भी बोलते हैं हिंदी में। तो नैनी लेक कहाँ पे है? नैनी लेक है नैनीताल में। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे नैनीताल, एन ए आई एन आई टी ए एल, नैनीताल। नेक्स्ट है माल रोड, माल रोड कहाँ पे? ये बहुत ही फेमस रोड है, ये है शिमला में, एस एच आई एम एल ए शिमला। लास्ट है हमारा बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन जहाँ पे हर तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, इसे हम बोलते हैं बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? बॉटनिकल गार्डन है ऊटी में। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे ऊटी, ओ ए टी वाई ऊटी। अब आप सबने भी ये दोनों चैप्टर्स ऐसे ही बुक में करने हैं और साफ साफ राइटिंग में करने हैं। थैंक यू।